नामपल्ली के अंदर खासतौर से अहमदनगर में यहाँ के वार्ड मेंबर महमूद साहब भी है, हमारे एमएलए साहब बिजी होने की वजह से यहाँ नहीं आ सके, मगर मैं तमाम मीडिया के भाइयों से, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का मकसद है, ये आपके लिए लॉकडाउन किया गया है, ये हुकूमत के लिए नहीं, ताकि हमारे लोगों को ये कोरोना वायरस ना फैले। इसलिए कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है, आपको महसूस नहीं होता किसको कोरोना है किसको नहीं है, मगर वो आपको लगा के जाता है। आपकी वजह से काफ़ी लोग मुतासिर होते हैं, हम देख रहे हैं एक घर में किसी एक को आता है, एहतियात नहीं करने से 20-20, 30-30 लोगों को उसका कोरोना वायरस लग रहा है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि आप घर के बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन का मतलब यही है, सारे दुनिया में कोरोना चल रहा है, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में हमारे सीएम साहब की वजह से, खासतौर से हमारी स्टेट के अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने पहले दिन ही जब कर्फ्यू लगाया गया था 24 आवर्स का, सारी उसी दिन सीएम साहब ने कैबिनेट में तय किया था कि तमाम गरीब भाइयों को जिसके पास राशन कार्ड है, 87 लाख राशन कार्ड है, उनको एक महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उसके अलावा 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाए। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 12 किलो राशन दिया जा रहा है और उन्हें भी 500 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। सीएम साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों की कुछ मदद कर सकें जो रोज़ मेहनत करके जीते हैं। इसके लिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, इस कोरोना वायरस से नजात हासिल करना है तो सबसे पहले हम घर के अंदर रहें और जब लोगों से मिले कम से कम 4 फीट का फासला को मेंटेन करें। इसी से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है अभी तक कि लोगों की हिफाजत कर सके। इसलिए मीडिया के भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लॉकडाउन में भी लोगों के लिए उन्होंने, आवाम के लिए जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन तक बताया जा रहा है अवेयरनेस के लिए। तो मैं तमाम मेरे बुज़ुर्गों से भी अपील करता हूँ, ये बीमारी खासतौर से उम्र रसीदा लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, नौजवानों में अगर आती है तो हमारे पास ट्रीटमेंट भी हो रहा है पर वो भी डेंजर है। पर बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए मेरी गुजारिश है कि आप घर के बाहर ना निकलिए और जहाँ तक हो सके किसी से मिलते हैं तो कम से कम 1-4 फीट का फासला रखिए, हमेशा हाथ धो, हमेशा साफ कीजिए। कहीं बाहर जाते और घर में आते या लोगों से दूर से भी मिलते तो उसके बाद जाकर हाथों को साबुन से या जो भी सैनिटाइजेशन होता है उससे साफ कीजिए। और इस तरह मेरे फायर डिपार्टमेंट के तमाम, हमारे डीजी साहब का, हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का, एरिया ऑफिसर का, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खासतौर से अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेहत के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया का भी सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर जेपी प्राइम सिटी, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी,
ड्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर कोथूर विलेज पे वाके। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें या चले आए न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर ओरमकंडा, हैदराबाद।